आप सब बैठे हैं। वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये किंवदंती और कथानक है जो राजा दशरथ ने श्रवण को मारा था। मारने के बाद जब देखा लग गया उसको, तो उसका उपचार नहीं कराना चाहिए था, उपचार कराने के बजाय वो ले गए पानी उसको पिलाने के लिए। ये सब किंवदंती है। भक्त उपदेशक लोग जो मन में आता वही बोल देते हैं, इनके पास कोई ऋषि देहरम कह रहे हैं वैदिक मान्यता को उजागर करते हुए कि पांच चीज ईश्वर अधीन है। शब्द पर ध्यान देना, पांच चीज ईश्वर अधीन है, मानव उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो पांच कौन कौन सी? जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग। ये पांच चीज ईश्वर अधीन है। ये पांच चीज अगर मानव चाहे अपने हाथ में नहीं ले सकता, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही वो काम होना है। ईश्वर पर हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। दुनिया वालों ने परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा को सब जगह घसीट रखा। परमात्मा की मर्जी है, और विशेष करके एक कुरान और बाइबल वाले तो इस पर टूट रहे हैं, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह जो चाहता वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता नहीं होता। तुम्हारे चाहने पर भी नहीं होता जो अल्लाह ना चाहे। लेकिन वैदिक मान्यता है परमात्मा की चाह नहीं होती। फिर सुनिएगा, परमात्मा की चाह नहीं होती, इच्छा नहीं होती। इच्छा होगी तो अनिच्छा भी होना जरूरी होगा, क्योंकि इच्छा के साथ इच्छा का विलोपन क्या है? अनिच्छा। तो इच्छा और अनिच्छा में अगर परिवर्तन आए, तब्दीली आए, तो परमात्मा ना हो करके दूसरा कोई शय बन जाएगा, कोई वस्तु बन जाएगा, परमात्मा नहीं। क्योंकि ऋषि दयानंद ने सबसे पहले सचेत किया तो सत्यचित और आनंद स्वरूप, वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहता है, आनंद स्वरूप है। आनंद से वो परमात्मा वंचित नहीं होते। तो जब आनंद से वंचित नहीं होते हैं तो फिर उसकी इच्छा कहां से हो जाएगी? अब आर्य समाज में प्रोकांड समाज को खुली चुनौती थी। जब सत्यान प्रकाश केस दिल्ली हाईकोर्ट से मैंने जीता, और आप लोगों को ये बता दो, शायद आर्य जी को मालूम हो रहा थोड़ा बहुत, सत्यान प्रकाश केस अग्निवेश ने दो मुसलमानों को खड़ा करके दिल्ली की सजा कोर्ट में किया था। उसे मैं हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट से जीता उस केस को अपने वर्ग के डॉक्टर साहब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पर ऋषि दयानंद की मान्यता क्या है मोदी की। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वैदिक सिद्धांत जो है वो सर्वोपरि है। वैदिक सिद्धांत का टाला जाना संभव नहीं है। ईश्वर सदा सर्वदा एक रस में ही रहने वाला है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आने का सामान नहीं है, परिवर्तन आने की वस्तु नहीं है। परिवर्तन आ जाए तो उसके अंदर में वो ईश्वर ना पर तो कोई शय बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। परोपकारी सभा वालों ने मुझे सम्मानित किया सत्या प्रकाश केस जीतने के बाद, और बड़े बड़े दिगर दिगर विद्वान सब थे। ऋषि दयानंद के मृत्यु शय्या वाला वो दृश्य दिखाया जा रहा है, और ऋषि दयानंद कह रहे हैं परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण। मैंने चुनौती दी आर्य जगत के विद्वानों को कि परमात्मा की इच्छा होती है या नहीं, इस पर हमसे डिबेट करो। पहले पूर्ण होगी तो बाद में। परमात्मा की जब इच्छा नहीं होती है तो फिर इच्छा पूर्ण होगा क्या मतलब होगा? ऋषि दयानंद को मारने में परमात्मा की कौन सी इच्छा है?
जो ऋषि लेना ये कह रहे हैं कि परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो क्या परमात्मा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दयानंद को मार रहे हैं? जबकि परमात्मा के लिए ऋषि दयानंद स्वयं लिख रहे हैं इच्छा आदि गुणों से रहित है। संतान प्रकाश पढ़ा के देखते लोग संतान प्रकाश पढ़ते नहीं है। जब परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है तो परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो ये शब्द कहां से आना संभव होगा? ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। ठीक इसी तरीके से मानव अपने किए हुए कर्म का फल इस जन्म में पा जाए ये भी जरूरी नहीं है। सुनिएगा कि इस जन्म में मानव अपने किए हुए कर्मों का फल पा जाए ये भी जरूरी नहीं। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में हम स्वतंत्र हैं। परमात्मा जानता है किसको क्या फल दे रहा है और कब दे रहा है, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं चल रहा, मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मानव की बस नहीं है उसमें। अपनी इच्छा के अनुसार मानव फल नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा फल दाता है। किसको कब और कैसा फल देना है वो परमात्मा को ही पता है, परमात्मा जानते हैं, मानव की बस की बात नहीं है। जैसे मैंने पाप किया उसका जो दंड है वो बहुत भारी है, तो भारी दंड लेने के लिए मैं तैयार होऊंगा क्या? इसलिए परमात्मा देते हैं दंड, मानव अपनी इच्छा से नहीं ले सकता, इसलिए फलदाता परमात्मा है। कब किस काम का क्या फल है वो परमात्मा जानते हैं, इसलिए श्रवण को मारा और दशरथ के तीनों पुत्र दो पुत्र जंगल चले गए ये जरूरी नहीं है। इसको जानना पड़ेगा। तो कवियों की मन की भावना है, सब अपने मन से लिख देते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये इन लोगों की मनमानी बातें हैं। वैदिक सिद्धांत नहीं है, वैदिक सिद्धांत का बिल्कुल विपरीत है। ठीक उसी तरीके से जन्म में देखेंगे ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है, सब का ध्यान देना, जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है किनका है? हाँ मनुष्य का, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य की सेवा कोई कर नहीं सकता, इसलिए मनुष्य का, मनुष्यों का किए हुए काम कार्य पाप और पुण्य दोनों में होता है, और पाप और पुण्य दोनों की काम अगर बराबर हो जाए तो मानव योनि मिलता है। अगर संदेह हो तो सत्ता प्रकाश का नवा संभुल्लास पढ़ लीजिएगा, बंद और मोक्ष वाला प्रकरण ऋषि दयानंद ने उसमें स्पष्टीकरण दिया है। फिर शब्द पर ध्यान देना कि पाप और पुण्य मनुष्य के किए हुए पाप और पुण्य अगर बराबर हो जाता है तो मानव योनि मिलती है। परमात्मा मानव योनि में भेजते हैं और मानव योनि में तीन क्वालिटी है। मानव योनि में कितने क्वालिटी है? तीन क्वालिटी है, स्त्री पुलिंग और नपुंसकलिंग, यानी पाप की मात्रा अगर पुण्य से थोड़ी अधिक हो तो स्त्रीलिंग, और पाप पुण्य की मात्रा अधिक हो तो पुलिंग, और पाप की मात्रा उससे भी अधिक हो तो नपुंसकलिंग। जैसा हर चौराहे में देखते हैं सब की भी कर्म के सबब है, तो पाप और पुण्य अधिक आप बोलेंगे कि नहीं, यहां तो आर्य समाज में बोला जाता है स्त्री और पुरुष दोनों का मर्यादा बराबर है। अरे बराबर तो परमात्मा के पास नहीं है तो दयानंद कहां से ला के देंगे? कैसा नहीं है मैं प्रमाण दे रहा हूं, स्त्री और पुरुष दोनों की मर्यादा बराबर नहीं है। महिलाओं को जो तकलीफ होती है उन तकलीफों से पुरुष वर्ग के लोग दूर हैं,
जैसा माँ जब गर्भ धारण करती हैं तो संतान को गर्भ में पालने में माँ को जो तकलीफ है वो तकलीफ माँ ही जानती है, माँ ही सहन करती है, उन तकलीफों से पिता दूर है। और हमारी यहाँ मान्यता क्या है, अवश्य में भोगता पम कितम कर विश्वास हम अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल शुभ और अशुभ। तो माँ जो वो भोग रही है वो अपने कर्म को तो भोग रही है, पिता उस कर्म को नहीं भोग रहे, इसका मतलब क्या हुआ, माँ से पिता का कर्म स्तर अच्छा है। केवल इतना ही, माँ को संतान प्रसव करने में जो पीड़ा है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं पुरुष वर्ग के साथ अगर ये हो जाए तो पुरुष वर्ग मर जाएंगे, ये सहन कर नहीं पाएंगे। माँ सहन करके उसे तो कष्ट आने का मतलब क्या लिख रहे यहां कि लेकर जब किए हुए कर्मों का फल भोगना है तो इनका कर्म ऐसा है इसलिए भोग रहे हैं, ये कर्म पुरुष का नहीं है इसलिए पुरुष नहीं भोग रहे, तो दोनों का बराबर कहां हो जाएगा, दोनों का बराबर है नहीं। एक संतान के लालने पालने में, संतान का लालन पालन में माँ को जो तकलीफें हैं, माँ को जो मुसीबतें हैं, माँ उन सभी मुसीबतों को झेलती है, पुरुष वर्ग के लोग उन मुसीबतों से दूर हैं, उन्हें झेलना नहीं पड़ता और किए हुए कर्म का ये सबब है, किए हुए कर्म का ये फल है, तो कर्म किसका अच्छा है। मैंने कह रहा हूं दुख मत दीजिएगा, ऋषि दयानंद सत्ता प्रकाश के नवा समन्यास में लिखा है। केवल इतना ही नहीं, देखिएगा कई बार माँ के गोद में छोटा बच्चा है, माँ के गोद में छोटा बच्चा है वो बच्चा रात भर कितने बार पेशाब कर दिया करता है, माँ उस गीले वस्त्र को हटाकर सूखे वस्त्र को उसके तरफ बिछा देती है और पिता के पास दे ना तो पिता डंडी पकड़ कर लो भैया तुम संभालो, होता ही नहीं होता। तो ये किए कर्मों का ही सबब है, इसलिए ऋषि दयानंद बता रहे हैं दोनों का कर्म बराबर नहीं है। तो दोनों का कर्म बराबर नहीं है तो किए हुए कर्मों के हिसाब से फलोग रहे और वो लोग, वो भी तो मनुष्य ही है ना, जो स्त्री में नहीं पुरुष में नहीं, वो भी तो मनुष्य ही है ना जी, मनुष्य बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मनुष्य बोलेंगे जब चाहे शिकंडी कह दिया तो कर्म के हिसाब से वो आपके उसका कर्म ही वैसा था, उसका कर्म ही वहां ले गया उसे, हमारा कर्म हमें यहां ले आया, माताओं का कर्म माताओं के अपने हिसाब से वहां पहुंचाए, वरना परमात्मा का पुरुष लगेगा। तो अवश्य में भुगतपन कीर्तन कर्म सुभाष जो वेद की मान्यता है अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ। तो ये शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है। पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी जी, हाँ करिए, मैं भूल गया हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वैदिक मान्यता ये है, वैदिक परंपरा ये है कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत जीवात्मा को बारंबार, एक दो बार नहीं, बारंबार धरती पर आना पड़ता है, किस लिए, कर्मों के फल को भोगने के लिए, क्योंकि भोग वाला जो स्थान है, भोगने के लिए जो जगह है वो धरती को छोड़कर और कहीं है नहीं, भोग धरती पर है। अब आप यहां सवाल उठा सकते हैं, पंडित जी आपने कहने के लिए कह तो दिया और हम लोग मानते हैं, हम लोग वैदिक परंपरा से हैं, वैदिक सिद्धांत के जानकार हैं, मानने वाले हैं, वैदिक सिद्धांत पर अमल करते हैं, हम तो मानते हैं कि जन्म जन्मांतरों का कर्म फल यहां भोगना पड़ता है, तो इस्लाम वाले तो नहीं मानते, तो फिर सही क्या है, आइए मैं वो सही पकड़ा देता हूं। सही ये है जो वेद में आया है, जो वैदिक परंपरा है वो सही है,
इस्लाम वालों की मान्यता सही नहीं है। और आज मैं कुरान से ही प्रमाण दे दूंगा, 3-4 प्रमाण दे दूंगा कि कुरान में भी पुनर्जन्म है। अरे ये वो ना माने वो बात अलग है। यूट्यूब में मेरा वीडियो लगा हुआ है, देखिएगा। मुजफ्फरनगर में मैं बोल रहा था, एक मौलाना अपने को रोक नहीं पाए, 500 का नोट मुझे पकड़ाने लगे। पर साहब आपने कुरान का जो हवाला दिया है, तो कुरान तो पढ़ते रोज है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं लग पाया कि ये भी चीज है। क्योंकि कर्मों के फल को भोगने के लिए कर्म तो जितना हिंदू करना उतना मुसलमान कर रहे हैं, या अपने हिसाब से करें वो अपने हिसाब से करें, लेकिन भोगेगा कहाँ? ऋषि कहा, ऋषि ने कह रहे भोगेगा दुनिया में, दुनिया में छोड़ करके भोगने के लिए अलग कोई स्थान नहीं है जो भोगेगा। जैसा उदाहरण के रूप में हमारे दो बड़े पुराने मित्र, लगभग 28-29 साल से हम लोगों का परिचय है, माननीय वकील मेरे ही नाम राशि महेंद्र कुमार आर्य जी और अपने पुरुषोत्तम राव पांडे जी अध्यापक, ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। और मेरे जीवन की A to Z घटना सब इन लोगों के हृदय रूपी डायरी में लिखी हुई है। और कुछ तो इन्होंने परीक्षण निरीक्षण किया और उसी तरीके से जाने और उसी तरीके से देखा। अब मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि पूर्वजन्म नहीं होता, पूर्वजन्म को मैं अभी प्रमाण दूंगा और यहीं से आप प्रमाण लेकर के उठूंगा। मेरे परिवार में कोई धोती नहीं पहना, मैं अपने परिवार के लिए कह रहा हूँ, मेरे परिवार में कोई धोती नहीं पहना, धोती पहन करके नहीं देखा, क्योंकि यह काफिराना ड्रेस है, काफिराना लिबास है, काफी लोगों का पहनावा है, ये नहीं पहनते। मेरे परिवार में कोई हिंदी नहीं जानता और मैं हिंदी और संस्कृत इधर आकर के सीखा हूं, पढ़ा हूं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के। मेरी एक बेटी जिसको अष्टांग यायी महाभारत सामवेद और यजुर्वेद ये सारा कंठस्थ है। अब ये जन्म जन्मांतरों का कारण नहीं तो और क्या बोलेंगे इसे भाई? इसी का ही नाम जन्म जन्मांतरों का कर्म है। हाँ, मुसलमान परिवार में पैदा हुई, तो मैं मुसलमान में पैदा हुआ तो ये बोल देना। तो मैं 11 वर्ष की आयु में कुरान कंठस्थ किया था, 11 वर्ष की आयु में कुरान हिफ्ज कर चुका था मैं। तो हम पति पत्नी दोनों ने मन बनाया कि हमने तो कुरान कंठस्थ किया था, बच्चों को वेद कंठस्थ कराएंगे, मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। एक बेटी को वेद कंठस्थ करा दिया, दो बेटे। तो जिसको हम जानते नहीं, ये जो जन्म जन्मांतरों का कर्म है वो यही तो प्रारब्ध इसको बोलते हैं। प्रारब्ध आकर के जुड़ता है, केवल इतना ही नहीं। आप कहेंगे कि कुरान वाले तो मानते नहीं है पुनर्जन्म को, लेकिन कुरान में भी पुनर्जन्म है, ना माने वो बात अलग है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कई फतक छोड़ूर बिल्लाही व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुर्जऊन। कैसे झुठलाते हो तुम अल्लाह को, तुम्हारे में जान नहीं था, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर उठाया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, इसको क्या बोलेगा? अल्लाह ताला कह रहे मैं मरे को जिंदा करता हूँ और जिंदा को मुर्दा बनाता हूँ, क्योंकि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जो चाहता हूँ सो करता हूँ। और मरे को जिंदा करने का मतलब क्या हुआ? मरे को जिंदा करने का मतलब ही पुनर्जन्म है। दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं, जब कोई मुसलमान मर जाता है, मुसलमान मरने के बाद उन्हें दफनाने के लिए लोग कब्रिस्तान ले जाते हैं उनके जनाजा को,
कब्रस्तान ले जाते हैं, सीना तक मिट्टी खोद करके कब्र में सुला दिया जाता है मुर्दा को, ऊपर से लकड़ी ले करके तीन बार मिट्टी का ढेला जो पहुंचाने के लिए गए थे लोग उनको तीन बार कम से कम मिट्टी डालना है। मिन्हा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से बने थे, अब मिट्टी में जा मिलो, फिर मिट्टी से बनना है, इसको क्या बोलेंगे? पुनर्जन्म। फिर कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं है? इसी का ही नाम पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म के बगैर परमात्मा का, परमात्मा की जो विधान है वो चरमरा जाए। यही आया है वेद में, अवश्य वैभवतम कृतम कर्म शुभा शुभम। अब यहां से प्रमाण ले सकते हैं आप, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बीच से मैं किसी एक को बुलाऊं अपने तरफ, जितने लोग बैठे हैं बीच से मैं किसी एक को बुलाऊं अपने तरफ, और इधर जो लोग बैठे हैं इनसे पूछूंगा कि ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो ये क्या जवाब देंगे? आ रहे हैं। और पीछे जो लोग बैठे हैं उन लोगों से पूछूंगा आ रहे हैं कि जा रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे? जा रहे हैं। बस यही पुनर्जन्म, जो जन्म ले रहे हैं हम कह रहे हैं वो आ रहे हैं, और जो हमसे बिछुड़ रहे हैं हम कह रहे हैं वो जा रहा है। यह आने जाने का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ये कभी भी रद्द होना संभव नहीं है। यही वैदिक मान्यता है, परमपिता परमात्मा का उपदेश है। अवश्य मैं मुक्तम कृतम कर्म शुभा शुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि ये धरती को छोड़ करके कहीं कोई भोगने का स्थान नहीं है। अब भोगने के लिए जो जैसा कर्म करेगा वो उसी तरीके से वो भोगेगा। जो जैसा कर्म किया तो भोगने भोगना तो जीवात्मा को पड़ेगा, लेकिन भोग देगा कौन? परमात्मा। क्योंकि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में हम प्रतंत्र हैं। अब स्वतंत्र और प्रतंत्र का मतलब थोड़ा और समझ लीजिएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ से चले रास्ते पे, रास्ता कोई अंधा आया और कहा कि कोई है मेरा रास्ता पार कराने वाला, तो हम उसको किसी को पूछे बगैर उसका हाथ पकड़ेंगे और रास्ता पार करा देंगे, उस काम में मैं स्वतंत्र हूँ। अब यहाँ कोई आ गया कहे माइक हमें चाहिए, ये माइक मैं दे सकता हूँ क्या? इसमें मैं प्रतंत्र हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है, इस माइक को मैं नहीं दे सकता, इसमें मैं प्रतंत्र हूँ। स्वतंत्र और प्रतंत्र का परिभाषा समझ लीजिएगा। इसलिए मानव कर्म करने में जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में जीवात्मा प्रतंत्र है। फल देता है परमात्मा, परमात्मा अपने हिसाब से फल देता, ना किसी को ज्यादा देता और ना किसी को कम। जो जितने के हकदार हैं उसको ठीक ठीक उतना ही देता है। अगर इसमें ऊक चुप हो जाए तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और परमात्मा के ऊपर आरोप लगे तो परमात्मा होना संभव नहीं है। इस सच्चाई को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया के लोग अगर परमात्मा को जानते होते तो बात कहीं और होगी, लेकिन इसमें भी क्या चालाकी की है, इसमें दिया है कि पाप तुम्हारा कितना ही हो जाए, मक्का मदीना का परिक्रमा कर लो तो माफ, हज कर लो तो पाप से मुक्ति, और हिंदू घराने वाले कह रहे हैं गंगा सागर नहा लो तो मुक्ति, बल्कि आपके पड़ोस में बनारस से तो मुक्ति धाम बना रखा है लक्षा रोड में, लक्षा रोड के कॉर्नर पे मुक्ति धाम बना हुआ है, वहां मरने से पहले लोग वहां पहुंचा लेते हैं, यहां मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। ये सब मनमानी सौदा है लोगों का। ईसाई लोग कह रहे हैं कि बपतिस्मा ले लो तो मुक्त हो जाओगे, ऋषि नारायण कह रहे हैं कि कुछ भी करो मुक्ति पाना संभव नहीं है, सजा भुगते बिना मुक्ति नहीं। आइए जरा हम चलते हैं मक्का और मदीना,
वैसे ही चलते हैं कि मतलब ये मत समझना कि आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रतिबंधित एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, नहीं जा सकते वहां। मक्का और मदीना में जाने की अनुमति नहीं है। कोई भी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा सकता, प्रतिबंध है। अल्लाह ने मना किया कि काफिर ना आने पाए। खूब प्रमाण है। अल्लाह ने कहा कि काफिरों के लिए शहर रमदान एक दो प्रमाण हो तो मैं बोल करके बैठ अनेक प्रमाण। तो अल्लाह ने मना किया है कि ना आने पाए। काफिरों के लिए प्राइवेटेड एरिया है, वर्जित स्थान है, आने वाला समय में काफिर यहां से ना गुजरे। लेकिन आपके यहां पर कुत्ता बिल्ली कोई भी चले जाए, कोई मान्यता नहीं है, कोई रोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये कह रहे हैं कि पाप तुम्हारा कितना ही हो जाए, हज कर लो तो पाप से मुक्ति हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि गंगा सागर नहा लो तो पाप से मुक्ति हो जाएगी। चल चलिए गंगा सागर, मक्का मदीना तो नहीं जा सकते, लेकिन चलिए गंगा सागर ले चलते आप लोगों को। और उसी एरिया से मैं आया हुआ हूँ। गंगा और सागर दोनों का मेल जहाँ हुआ उसका नाम गंगा सागर है। गंगा और सागर की दीदी आप ठीक बोल चित्र नहीं की कोई चले जाने की। गंगा और सागर जहाँ में दोनों का मेल हुआ है जहाँ पर उसका नाम गंगा सागर है। लोग चाहते हैं अभी सामने आने वाला जनवरी महीना में ही जाएंगे लोग पौष महीने के दिन में। तो गंगा में नहाने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। शास्त्रकारों ने कहा अविर्गता ने शुद्धति मना सत्य ने शुद्धति विद्या तप व्याभूत आत्मा बुद्धि ज्ञाने ने शुद्धति। मनुवारा लिख रहे हैं नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे पाप नहीं। अच्छा एक बात और सोच रहा है, जो लोग पाप कर धोते हैं गंगा सागर में उनसे जरा ये पूछ लीजिए कि पाप आप करते किस चीज से हैं। आप लोगों से पूछ रहा हूं किस चीज से पाप करते हैं। ये अपने बुद्धि अपने शरीर के हिसाब से अपना बुद्धि जो है अपने शरीर के हिसाब से करते हैं। जितना इतना मोटा शरीर है उतना मोटे पाप शरीर से करने से पहले मन में आएगा तब ना पाप करेंगे आप। शरीर से तो अंजाम दिया जाता है, शरीर से किया नहीं जाता। पहले मन में आना है। मैं सोचा इनके इनके पास जो मोबाइल है वो कीमती है मेरे से ज्यादा, ये मेरे पास होना चाहिए। मन में बात आई तभी हम उठाएंगे तो शरीर से अंजाम देंगे बाद में, पहले मन में। तो शरीर जो धोते हैं आप गंगा सागर में नहाने से शरीर भी तो धोएंगे, मन धोने का क्या तरीका है। हाँ जी, अब मनु महाराज के मन सत्य ने शुद्धि सत से ही मनुष्य की शुद्धि होती है। सुन लीजिए, सत को अगर आपने अपनाया नहीं, मैं आपको पूछता इसीलिए हूं कि मैं आया हूं आपके दिल और दिमाग में कुछ बातों को भरूं तो मेरा आना सार्थक हो। कि मन सत्य में शुद्धि, मन की शुद्धि होगी सत से। अगर सत को नहीं अपनाया, सत को नहीं जाना, सत पर आचरण नहीं किया तो मन की शुद्धि संभव नहीं। नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे,
मना सत्यम शुद्धते विद्या तपो व्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धते और बुद्धि की शुद्धि कहां से होगी ज्ञान से व्याम ज्ञान को तो लोगों ने जाना नहीं ज्ञान के नजदीक आए नहीं तो ज्ञान की शुद्धि कहां से हो जाएगी इसलिए ऋषि देवन कह रहे हैं ये सब परमात्मा के नाम से लोगों ने बखेड़ा किया हुआ है। चलिए उदाहरण के रूप में हम थोड़ा आप लोगों को गंगा सागर दिए चलते हैं। माई गंगा से पूछने लगते हैं क्या माई गंगा क्या तुम पापी हो बोले क्यों हमें पापी क्यों बता अरे हमने धरती पर अनाज उगाया उस अनाज को खा करके पाप किया और वो पाप तो यहाँ धो गए हम तो हमारा धुला हुआ पाप तो आपने लिया होगा हम तो पाप से मुक्ति हो गए पाप से हमें मुक्ति मिल गई तो हमारा पाप तो आपके पास है। माँ गंगा कहती है कि पाप तुम्हारा और बोझ मैं अपने लिए बनाऊ बोला आपने क्या किया बोले मैंने तो धकेल दिया पानी में गंगा से पानी कहाँ मिला जाकर सागर में सागर से पूछ लिए ऐसा कर तुम पाप हो क्यों हमने पाप किया तो पाप गंगा में धोया गंगा से पूछा तुम्हारे पास भेज दिया सागर ने बोला मैं अपने पास नहीं लेता मैं पागल हूँ क्या पाप तुम्हारा और मैं उसको धोता फिर और क्या किया तो मैंने मैंने वायु को दिया वायु के माध्यम से वाष्प बन करके ऊपर की तरफ और सूर्य के अंदर में लोग लोटा में पानी लेकर के सड़क पर डालते हैं अपने फर्श पर डालते हैं अपने आंगन में डालते हैं बोले सूर्य में पानी चला रहे अरे सूर्य में वो ताकत है सूर्य पानी को समुद्र से अपने आप खींचती है अब सूर्य में पानी चला रहे सूर्य को दिया सूर्य ने बोला मैंने नहीं अपने पास में रखा क्या किया मैंने बादलों को दिया ये बादल से पूछते हैं बादल तुम पापी हो क्यों हमने ऐसा ऐसा किया और वहां से ट्रांसफर होते तुम्हारे पास है बादल बोला अरे तुम लोग बड़े भोले हो पाप से मुक्ति थोड़ी मिलती है वो तो तुम जिस जमीन से अनाज उगाते हो जिस अनाज को खा करके पाप करते हो मैं वर्षा के माध्यम से उन्हें अनाज उसी धरती पर दे दिया जिस जहाँ से तुम अनाज पैदा करते हो यानी पाप से मुक्ति नहीं मिली पर इस्लाम वाले कह रहे हैं पाप से अल्लाह मुक्ति दे दे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूब इलैह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम ये कहने पर इसको अस्तग़फर कहा जाता है अस्तग़फिरुल्लाह कहने पर अल्लाह पाप से मुक्ति दे देते हैं पाप से मुक्ति हो जाए तो मैं आज एक अकाट प्रमाण दे रहा हूं अब आपके यहां पहले तो सुनने के लिए आते थे लोग इस बात नहीं आ रहे मैं नहीं समझ पाया लेकिन कुंडा में हमें लोग खूब सुनते हैं और कुंडा में लगातार मैं 18-19 वर्ष कंटिन्यू बिना नागा किया है। हाँ जी कुंडा में जामा मस्जिद के इमाम बोलता था भोर में उसका जवाब मैं देता था अपने मंच पे क्या बोल रहा तो यहाँ इनकी मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब की सिफारिश से पाप से मुक्ति मिल जाएगी और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सिफारिश परमात्मा के पास किसी की नहीं चलती किसी की सिफारिश नहीं चलती उस परमात्मा के पास बाप तुम करोगे भुगतना तुम्हें पड़ेगा अगर वो हाथ हम डालेंगे तो हाथ हमारा जलेगा कि इनका जलेगा था जो हाथ डालेंगे उनका जलेगा तो हाथ डालेंगे उनका जलेगा वहां हाथ को जलने से बचा कर रखा कोई दवाई लगा ले आप वहां रहता कोई मेडिसिन लगा ले तो उसके आप हाथ को जलने से बचा पाएंगे लेकिन अग्नि का काम है जलाने का अग्नि नहीं जानता है कि कौन हाथ डाल रहा है ये धर्मात्मा है या दुरात्मा है अग्नि को पता नहीं अग्नि चल रहा है इसलिए पता ये लगा ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के सिफारिश से मिल जाएगी पाप से मुक्ति मिल जाएगी तो मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ हजरत मोहम्मद साहब की एक लड़की थी जिसका नाम था फातिमा तो बच्चे तो कई थे लेकिन सब मरे फातिमा एक लड़की थी अली के साथ जिनका जिनकी शादी हुई थी जिनके दो लड़के थे हसन और हुसैन
फातिमा के मौत के बाद, फातिमा जब मरी तो इनके मरने के बाद इनके जनाजा को लेकर लोग कब्रिस्तान पहुंचे। अबू सर गफारी नाम का एक साहबी था, वो कबर के तरफ मुखातिब होकर के कहा, या कब्र आतदरी मिनल नाही जेना बिहारी नहीं क्या हाली बिन तो रसूल लाए हाली समझत में अली इल्मुर्तदा हाली उमुल हसैन वाल हुसैन हाली फातिमा ज़हरा, ऐ कबर क्या तुम्हें मालूम है हम किनका जनाजा लेकर आए यहाँ पर? ये हजरत मोहम्मद की लड़की है, इनका नाम है फातिमा। इनके दो लड़के हैं हसन और हुसैन, इनके पति का नाम है हजरत अली। हजरत अली को लोग बहुत बड़ा पहलवान और योद्धा मानते हैं, इस्लाम वाले हजरत अली कहते हैं और हिंदू घराने के लोग बजरंग बली कहते हैं, मिलता जुलता सब यानी छेदी लाल और सुनाकी लाल दोनों बराबर ही है। तो कबर में क्या जवाब दिया, जब से कबर से जवाब मिलना संभव नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए बोला, कबर ने जवाब दिया। कबर ने क्या कहा, मा आना मौज़ा हसबे वला नसबे इन्नमा आना मौज़ा अमलिस सालिह फला यंजु मिन्नी इल्ला मन कसर खैरुहु व सलिम क़ल्बुहु व खलस अमलुहु। ऐ अबू ज़र, कबर हसब नसब को देखता नहीं है, कबर हजरत मोहम्मद की लड़की को नहीं देखता है, अली के धर्म पत्नी को नहीं देखता, हसन हुसैन की माँ को भी नहीं देखता, फातिमा को भी नहीं देखता। कबर देखता है जो नेकी करके दुनिया से चले, जो नेक अमल करके दुनिया से जाए, कबर को नेक नेकी को देखता है। समझ में आई बात सच्ची? समझ पा रहे आप लोग? आप लोग तो आपस में बात करने में फुट चलते हैं। बताया गया है कबर से ये आवाज आई कि अगर तुम्हारे पास नेक काम तुमने किया है, नेकी है तुम्हारे पास, तो कबर केवल नेकी कोई देखता है, कबर किसी के वंशावली तो दुनिया में मानव को क्या करना चाहिए, नेक अमल करना चाहिए, नेक अमल करना चाहिए। नेक अमल करने से ही परिताप और छुटकारा मिल जाएगा। ये तो ऋषि देहरन ही नहीं, ये तो आदि सृष्टि से वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश सारे ऋषि मुनियों ने हमें सुनाया, तो कुरान वालों ने कौन सी नई बात रखी हमारे सामने? हम तो वही बताते आ रहे हैं, अवश्य में भोक्तवन कृतम कर्म शुभ अशुभ, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ, शुभ अशुभ कर्म के फल को भोगने के लिए जीव आत्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ा, क्योंकि ये धरती छोड़ करके कोई अलग स्थान नहीं, कोई अलग जगह नहीं है जहाँ पर कर्म के फल को भोगा जाए। तो ये सिस्टम सारा सिस्टम परमपिता परमात्मा के बना हुए हैं। दुनिया वालों ने परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा के बारे में सबने बखेड़ा कर दिया। इसलिए मैं सुनाऊंगा, एक बार की बात है कि एक शराबी शराब की बोतल हाथ के लिए सड़क से जा रहा था, तो सड़क के ऊपर एक मस्जिद थी, मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए लोगों की तरफ मुखातिब होकर के शराबी ने कहा कि जाहिर पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या तो वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है। अब मस्जिद वाले ये नहीं बता पा रहे कि मस्जिद से बाहर खुदा नहीं, मस्जिद से बाहर खुदा नहीं है कहते हो गलत, और मस्जिद में शराब पीने की इजाज़त दे वो भी गलत, मस्जिद में कोई शराब नहीं पी सकता क्योंकि मस्जिद को अल्लाह का घर माना गया है, मस्जिद को बैतुल्लाह माना गया है, बैतुल के माने घर, अल्लाह के माने अल्लाह का, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो जिन लोगों ने मस्जिद को अल्लाह का घर माना उनसे मैंने ये पूछा कि मस्जिद में बैठ कर मैं मोमिनों से पूछता हूँ, है ये मकान किसका, अल्लाह दुल्लामा का है, अल्लाह दुल्लामा का वही कह रहे, वही लोग कह रहे हैं कि अल्लाह दुल्लामा का है, जिसका मकान नहीं है तो उसका घर हमने कैसे बना दिया भाई। लेकिन जो शराब पीना चाहता था ना वो तो शराब ही कह रहा, उसने देखा अल्लाह को लोगों ने बंटवारा किया है, किसी ने चौथा आसमान पर, किसी ने सातवा आसमान पर, किसी ने तीसरा जन्म, इस्लाम वालों से पूछे अल्लाह का गए रहमान अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अर्श कहा है बोले सातवा आसमान पर, बाइबल वालों से पूछे यहोवा कहा है, गॉड कहा है बोले चौथा आसमान पर, हिंदू घराने वालों से पूछे ये कहिए खीर सागर है, नमाज़ में विचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डुबो दिया,
लेकिन जो शराब पीना चाहता था वो तो शराब पी रहा, उसने क्या देखा, उसने देखा अल्लाह को बंटवारा किया है, तो उसने बोला जाहिर ना पीऊंगा शराब मैं मस्जिद में बैठकर कि बोतल तो एक ही है, कहीं अल्लाह ना मान ले कि मैं बड़ा पियकल आदमी हूँ, पिए बगैर मैं जी नहीं सकता, एक ही बोतल है मेरे पास, अगर वो कहीं से हाथ बढ़ाएगा मुझसे क्या बनाऊंगा तो क्या करूँगा। आज ये बात चल रही है दुनिया में, सब अपने अपने हिसाब से क्यों बदलते हैं, जड़े भी हैं, सच्चाई वो सुन केवल इतना ही नहीं। अभी पिछले दिन जब गुजरात में भूकंप आया था, आप लोगों को भी याद होगा, हमारे साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक गांव गोद में लिया, हम लोग सब लगे हुए थे उसमें। गुजरात में भूकंप आया और उस बार खूब लगा था, आपके इलाहाबाद में प्रयाग कुंभ लगा था, तो कुंभ के अखाड़े वहाँ जो अखाड़ा लगा था ना, अखाड़े के आचार्य ने बोला कि वो जो गुजरात में भूकंप आया है वो भूकंप को आना था इलाहाबाद में, हम लोग साधक है तपस्वी, अपने साधना के बल पर गुजरात दे दिया। मैं उन दिनों में एक पत्रिका का संपादन करता था, ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका का नाम था, मैं अपने संपादन के लेख में लिखा कि आप लोग दुनिया को क्यों बहका रहे हैं, आप लोग साधक हैं, अपने साधना के बल पर गुजरात भेज दिया इलाहाबाद आने वाले भूकंप को, तो 40 किलोमीटर आप दूर कर देते तो पाकिस्तान नहीं चला जाता। इसलिए मैं कहूंगा यूं कहा शराबी ने आबिद से, एक शराबी आबिद से, आबिद माने इबादत करने वाला, वो क्या कह रहा है, यूं कहा शराबी ने आबिद से तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला कर दे, वरना दो घूट पी लेकिन मस्जिद के हिलता हुआ। आज केवल यही काम चल रहा है, परमात्मा के नाम से मांस दुकानदारी कर रहे लोग, तो समय बहुत कम है और बोलना बहुत कुछ है, इसीलिए मैं आप लोगों के कीमती समय को जाहिर न करता हुआ मैं चाहूँगा कि समय के अंतर्गत रहना शोभायमान है, तो मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेता हुआ यहीं पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।